हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रयास सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी बख्शिश के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे बख्शिश 74 से कंटिन्यू। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बख्शिश 74, जिसमें है क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड डिस्कस द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको दिया हुआ जो पैराग्राफ है उसे रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क, अरुण अपना होमवर्क कर रहा था। ही ड्रू समथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर बट डिडंट लाइक इट। उसने कुछ पेपर जो है ड्रॉ किए और बट उसको पसंद नहीं आया। ही टॉर द पेपर फॉर द नोटबुक एंड थ्रू इनटू द रूम। और उसने फिर से एक पेपर फाड़ा और नोटबुक से और उसे रूम में फेंक दिया। ही शार्पन द पेंसिल इन एंगर, और उसे शार्प किया पेंसिल को गुस्से में। द क्रम्स एंड पेंसिल लीड पाउडर फेल ऑन टू द फ्लोर। जो क्रम्स, जो पेंसिल के जो कचरा निकला था, वो पेंसिल लीड का जो पाउडर निकला था वो फ्लोर पर गिर गया। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी, और ये जो चीज़ है उसकी ये फ्लोर को गंदा कर देती है, ज़मीन को गंदा कर देती है। तो देखिए, व्हाट वाज अरुण डूइंग, क्या कर रहा था अरुण, होमवर्क। व्हाई डिड ही थ्रो द पेपर, ही ड्रू समथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर बट डिडंट लाइक, सो ही थ्रो द पेपर एंड थ्रो इट, टॉट द पेपर एंड थ्रो इट। ठीक है, इट इज़ गुड और बैड टू मेक द फ्लोर डर्टी लाइक अरुण? नो, इट इज़ बैड। Do you keep your school clean? Discuss with your teacher how your school is kept clean and write it in your own words in the box given below. आपको क्या अपने स्कूल को क्लीन रखना चाहिए, अपने शिक्षक से, आप जो अपना टीचर है उनसे डिस्कस करें कि आपको किस तरह से स्कूल को क्लीन करने में आप मदद कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं जो क्लीन रहे स्कूल, और आपके अपने सेंटेंस में आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कीप अ डस्टबिन इन एवरी क्लास, प्रत्येक जो क्लास है उसमें डस्टबिन रखनी चाहिए। ईच स्टूडेंट शुड फॉलो क्लीनिंग रूल्स, और सभी को क्लीनिंग रूल्स फॉलो करनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। कीप आर प्लेग्राउंड क्लीन, प्लेग्राउंड को क्लीन करना चाहिए, रखना चाहिए। डू नॉट टियर पेपर अननेसेसरी, और अननेसेसरी अनवांछित जो पेपर होते हैं उन्हें नहीं फाड़ना चाहिए। इंक्रीज गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, और हाइजीन प्रैक्टिस को इंक्रीज करना चाहिए, अच्छी आदतों को। कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शंस, और जो इंस्पेक्शन होता है जैसे प्रिंसिपल के द्वारा और भी किसी के द्वारा, तो वो कंडक्ट करना चाहिए प्रत्येक क्लास में। तो इस तरह से क्लीन हो सकता है स्कूल। तो ये डन होता है बख्शिश 74। अब देखेंगे बख्शिश 75, जिसमें है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड, बट और बिकॉज। ये है कंजक्शन, एंड का अर्थ होता है और बट का अर्थ होता है किंतु परंतु, और बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। तो आपको जहाँ पर इन सब का अर्थ लगे वहाँ पर इनका यूज़ करना है। जैसे ही सेट अंडर अ ट्री, ही वॉज टायर्ड, वो बैठा पेड़ के नीचे क्योंकि वो थक गया था। क्योंकि आ रहा है तो यहाँ लगा देंगे बिकॉज। ही सेट अंडर अ ट्री बिकॉज ही वॉज टायर्ड, वह थक गया था। माई ब्रदर लाइक मैंगोज, माई ब्रदर लाइक बनानास, मेरे भाई को मैंगोज भी पसंद है और बनानास भी पसंद है। तो यहाँ हो जाएगा माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज एंड बनानास। नेक्स्ट हो जाएगा जयप्रकाश हिंदी, जयप्रकाश स्पीक इंग्लिश। तो जयप्रकाश हिंदी बोलता है, जय है जो हिंदी बोलता है और इंग्लिश बोलता है। तो यहाँ हो जाएगा जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। सोनम वॉन द रेस, शी रेन वेरी फास्ट। सोनम ने रेस जीत ली है क्योंकि वो बहुत तेज भागी। तो क्योंकि आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा सोनम वॉन द रेस बिकॉज शी रेन वेरी फास्ट। पिंकी वर्कड हार्ड, शी डिड नॉट पास। पिंकी ने बहुत कठिन मेहनत की बट वो पास नहीं हुई। किंतु, तो यहाँ पर हो जाएगा पिंकी वर्कड हार्ड बट शी डिड नॉट पास। आई वेटेड फॉर पिंकी, शी डिड नॉट कम। मैंने वेट किया पिंकी का बट वो नहीं आई, पर वो नहीं आई। तो यहाँ हो जाएगा आई वेटेड फॉर पिंकी बट शी डिड नॉट कम। The man is old, he runs very fast. वह मैन, वो बूढ़ा है परंतु वह बहुत तेज भागा। तो यहाँ हो जाएगा द मैन इज ओल्ड बट ही रन्स वेरी फास्ट। रिया इज वेरी सैड, शी लॉस्ट हर बुक। रिया बहुत दुखी है क्योंकि उसने अपनी बुक खो दी है। तो यहाँ हो जाएगा रिया इज वेरी सैड बिकॉज शी लॉस्ट हर बुक। शिवा हैज़ अ पैरट, शिवा हैज़ अ डॉग। शिवा एक शिवा के पास में एक पैरट भी है और एक डॉग भी है। तो यहाँ हो जाएगा शिवा हैज़ अ पैरट एंड डॉग। I want to eat something, I am hungry. I want to eat something because I am hungry. क्योंकि मैं भूखा हूँ इसलिए मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो इस तरह से कंजक्शन का यूज़ करना था। तो ये डन होता है बख्शिश 75। अब देखेंगे बख्शिश 76, जिसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विद
वॉज वर्क जो कि पास्ट टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, हेल्पिंग वर्क वॉज वर्क का सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो यहाँ यूज़ करते हैं वॉज, और प्लूरल होता है तो वर्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे आई ब्लैंक क्रॉसिंग दी रेड लाइट व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, तो यहाँ हो जाएगा आई वॉज क्रॉसिंग द रेड लाइट, मैंने रेड लाइट को क्रॉस रेड लाइट पे क्रॉस किया इसलिए एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज का यूज, सिंगुलर है। ठीक है, अंजलि वॉज एट होम यस्टरडे, अंजलि अपने घर पर थी कल, है ना। द डॉग वॉज बार्किंग इन द नाइट, डॉग जो है वो बार्क कर रहा था, भौंक रहा था रात को। वॉज गणेश डांसिंग इन द रेन, क्या बारिश में गणेश डांस कर रहा है। शी वॉज इन कनाडा लास्ट मंथ, वो कनाडा थी पिछले महीने। वी वर एट स्कूल लास्ट संडे, हम स्कूल थे पिछले संडे को, पिछले रविवार को, तो हम हैं यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर वर का यूज़ कर देंगे। द गर्ल्स, अब यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स हैं, गर्ल नहीं है, गर्ल्स हैं, लड़कियाँ हैं, तो उनके लिए यूज़ करेंगे बहुवचन में वर का। द गर्ल वर क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, जो गर्ल्स हैं जो लड़कियाँ हैं वो पेड़ पर चढ़ रही थी। द बर्ड्स, अब यहाँ पर भी पक्षी हैं बहुत सारे तो यहाँ यूज़ करेंगे। द बर्ड्स वर रिटर्निंग होम, अपना जो पक्षी हैं वो अपने घर लौट रहे थे। दे वर रीडिंग अ कॉमिक बुक, वो क्या पढ़ रहे थे, कॉमिक बुक पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर दे है उनके लिए यूज़ करेंगे, वे के लिए वर का बहुवचन, प्लूरल प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं हम वर का। नेक्स्ट है वॉज दिनेश हंगरी, क्या दिनेश हंगरी है, तो दिनेश के लिए वॉज का यूज़ करेंगे, दिनेश हंगरी है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वॉज का यूज़ करेंगे जो कि क्वेश्चन बना देगा यहाँ पर। चिल्ड्रन वर हंगरी, अब एक चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रन का अर्थ होता है बहुत सारे बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रन वर हंगरी, बच्चे जो हैं वो भूखे थे। रमेश एंड सुरेश गोइंग टू जयपुर, रमेश और सुरेश दो हैं तो यहाँ पर यूज़ करेंगे वर, वर रमेश एंड सुरेश गोइंग टू जयपुर, क्या रमेश और सुरेश दोनों जयपुर जा रहे हैं। यू वर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट थे, तो यू के साथ में हमेशा यूज़ करना है आपको वॉज नहीं वर का, भले एक सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू के साथ में आपको वर का ही यूज़ करना है। इसी तरह से हैज हैव में हैव का यूज़ करते हैं यू के साथ में। तो ये डन होता है वर्कशीट 76, अब देखेंगे वर्कशीट 77 जिसमें है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको पिक्चर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने हैं, आंसर के क्वेश्चन करने हैं। गेस द इवेंट, ये इवेंट किस चीज़ का हो रहा है, बर्थडे पार्टी हो रही है। ठीक है, वैन वर योर बोन, यहाँ पर बोन लिखना है आपको, बोन जो आपका कब हुआ था, तो यहाँ पर डेट लिखनी है जैसे 2 जुलाई 2012। राइट अ फ्यू वर्ड सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ दीज पिक्चर्स, आपको इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस लिखना है। जैसे देखिए गर्ल है वो बॉय को गिफ्ट दे रही है, यानी कि शी इज़ गिविंग हिम अ गिफ्ट, वह उसे गिफ्ट दे रही है। देखिए बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दे आर इंजॉइंग पार्टी, वे इंजॉय कर रहे हैं पार्टी को। देखिए बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, फूंक से कैंडल्स बुझा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ही इज़ ब्लोइंग द कैंडल्स, फूंक बुझाने को होता है ब्लो, तो यहाँ पर हो जाएगा वह कैंडल्स को ब्लो कर रहा है, बुझा रहा है। नेक्स्ट वो बाय कर रहा है अपने फ्रेंड्स को, तो यहाँ हो जाएगा ही इज सीइंग ऑफ हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड्स को जैसे लास्ट टाइम हम बाय करते हैं ना, बाय उसके लिए यूज़ करते हैं सीइंग ऑफ, तो यहाँ पर हो जाएगा वह बाय कर रहा है अपने फ्रेंड्स को। तो ये डन होता है वर्कशीट 77। नेक्स्ट हम अगले पार्ट में देखेंगे इसके आगे की वर्कशीट्स। तो यहाँ पर डन होता है आपका वर्कशीट 77, 76, 75, 74 के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे, फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में आपका डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।